हेलो फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। आज हम ये देखिए, काला चना है, देसी चना जिसको बंगाल ग्राम कहते हैं। इसको मैंने कल दोपहर को भिगोया था पानी में करीब 3-4 बजे, और इसको मैं आज मतलब 24 आवर्स के बाद, तकरीबन 24 आवर्स हो ही गए हैं, इसको मैं 20-22 घंटे खूब अच्छे से इनको पानी बदल बदल कर भिगो लिया और ये बहुत ही अच्छे से भीग के फूल गए हैं। ये मैंने अंदाज से काफ़ी चना भिगोया था। अब मैं इसमें से 3-4 तरह की अपनी चीज़ें बना लूँगी। मैं एक बनाऊँगी, 1 कप चना इसमें से निकाल लेती हूँ, भीगा हुआ खूब अच्छे से फूल गया है ये। 1 कप चना इसमें से मैं निकाल करके इसका बनाऊँगी चना कुरकुरा, जो हम नमकीन खाते हैं चने का तला हुआ, इसका हम वो बनाएंगे चना कुरकुरा। बहुत अच्छा सा बनेगा, लेकिन पहली शर्त यही है कि हमें इसका पानी बिल्कुल निकाल देना है। इसका पानी हम बिल्कुल निकाल देंगे। और मैंने इसको देखिए, ऐसे 1 कप इस चने को मैंने इसमें रख दिया है छलने के लिए, जिससे इसका पानी पूरा निथर जाए और ये ड्राई हो जाए, बिल्कुल इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। अब इसमें से 1 कप चना मैं निकाल लूँगी। पानी नहीं लेंगे हम, सिर्फ चना ही चना लेंगे हम, पानी नहीं है इसमें। और ये मैं ऐसे ही 1 कप चना बॉईल कर लूँगी कुकर में 2-3 सीटी आने तक, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये तो चना मैं इसको अभी हवा में रखा है, इसको मैं नैपकिन से अच्छे से पोंछ के इसका पानी सुखा दूंगी। और ये है बॉइल्ड वाला, देखिए ये उबल गया है और ऐसे बिल्कुल वो हो गया है, गल गया है। अब हम इन सारे चनों को इस तरह से दबा लेंगे। अभी ये गर्म है, इनको दबा करके इस तरह से मैं इसको मैं हवा में 6-7 घंटे के लिए बिल्कुल फरेरा कर लूँगी, सुखा लूँगी, इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से मैं इनको सबको दबा लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक साफ नैपकिन में ये सारे चने अच्छे से पोंछ लिए हैं। इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इनको हम रोल करते हुए, जो कच्चे चने हैं भीगे हुए, बॉइल्ड नहीं, कच्चे वाले जो भीगे हुए हमने छाने हैं पानी में से, इनका पानी हम पूरा निकाल देंगे। बहुत ध्यान रखना है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। ये बिल्कुल हमें ड्राई कर लेने हैं इस तरह से। देखिए ये बिल्कुल हमने ड्राई कर लिए हैं। थोड़ा सा इनको अभी मैं हवा में रखूंगी, एक सूखे कपड़े में, इसने सारा मॉइस्चर ले लिया इनका। ऐसे ही सूखे नैपकिन पर इसको मैं फैला दूंगी और ये पूरा इसका मॉइस्चर निकल जाएगा। फैन चल रहा है, बस 1-1.5 घंटे में ये बिल्कुल सूख जाएंगे, फरेरे हो जाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने तेल गरम कर लिया है। ये जो भिगोए हुए चने थे, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। मैं देखूंगी एक चना डाल करके, अभी तेल नहीं हुआ है, थोड़ा और टाइम लगेगा हमें, थोड़ा सा वक्त और लगेगा। ये पड़ते ही ना फूल करके ऊपर आना चाहिए। फ्रेंड्स, तेल बिल्कुल तैयार है, मैंने इसके लिए ढक्कन भी रखा है। ये तड़क के ऊपर आते हैं। अब देखिए, मैं छलनी में डीप फ्राई को करूंगी इस तरह से। देखिए छलनी में मैं इसको ऐसे रखूंगी, धीरे से इसको डाल दूंगी, ऐसे ढक दूंगी। फ्लेम को मैं मीडियम कर दूंगी, इनको होने देंगे धीरे से। देखिए पटक रहे अंदर, आपको आवाज आ रही होगी, ये देखिए उछलते हैं, ये अंदर पटकते हैं, तेल में पकते हैं। ये देखिए बर्न होने का डर है, आप ढक्कन जरूर लगाइए। फ्लेम को तेज हो गया था, तेल सिम कर दिया मैंने आज को। अब देखिए पक चुके हैं, ये देखिए अभी भी मैंने इसको ढका है, कोई एक आध और ना हो, दूसरी तरफ से खोलेंगे जिससे वो आपके ऊपर ना आए।
और ये तैयार है। धीरे से इसको हम, ये देखिए पट गए हैं, इनको मैं एक कटोरे में निकालूंगी। इसी तरह मैं बाकी के चने इसमें डाल रही हूँ, इसको ऐसे चला दूंगी और ये ढक्कन लगा दूंगी। फ्लेम स्लो कर दी थी, मीडियम कर दी मैंने दोबारा से, धीमी आंच पे, बहुत धीमी आंच पे नहीं इनको पकाना है। ये फटेंगे, इसको ढकना है, साइड से थोड़ी सी हवा आने दीजिए, इधर से सेफ बिल्कुल आपको करना है। बस चला दिया मैंने, थोड़ा सा हल्का सा ढक्कन उठा के चला देते हैं हम। बहुत ध्यान से आप इनको तलिए, देखिए ये फट गए हैं सारे, अभी भी फट रहे हैं एक दो, ढकूंगी दो मिनट के लिए और। बस ये देखिए अभी भी फट रहे हैं, ढक्कन हम रखेंगे अपनी सेफ्टी के लिए। ये देखिए आवाज़ आ रही होगी आपको इनके फटने की, बहुत जोर से उछलते हैं, ये देखिए आवाज आ रही है, खूब फटकर ऊपर उछलते हैं। धीरे धीरे इनको हम निकाल लेंगे, सिक गए हैं लाल लाल, बढ़िया। देखिए अभी भी फट रहे हैं, हमें का ढक्कन का हमको हमेशा हाथ में रखना है, ढक्कन के बिना हमें ये काम नहीं करना है। देखिए फ्रेंड्स ये फट रहे हैं, ये दूसरे मैंने बिल्कुल लास्ट वाले अपना धान डाल दिया है, मैंने एक ही कप लिए थे, ये ज़्यादा नहीं लिए थे। अब ये फट रहे हैं, देखिए से फटने शुरू हो गए, इसको ढक दिया है मैंने। वेट करेंगे हम इनका होने का, फ्लेम मीडियम है, बिल्कुल भी धीमी फ्लेम नहीं करेंगे हम। आपको आवाज आ रही होगी, फटने शुरू हो गए हैं, देखिए आवाज आ रही है। ढक्कन हम लगा के रखेंगे, बहुत सेफ्टी हमको रखनी है। ये देखिए तेल भी उछलता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप ढक्कन लगा के रखिए, जब ये फटते हैं तो तेल साथ में उछलता है उबलता हुआ गरम, तो अपने को आप सेफ रखिए बिल्कुल। देखिए फ्रेंड ये तल गए हैं और बिल्कुल देखिए कितने कुरकुरे बढ़िया एकदम हो गए हैं, ये देखिए। इसको गरम गरम में ही हमें मसाला मिलाना है, थोड़ा सा हम डालेंगे नमक, थोड़ा सा हम डालेंगे काला नमक, थोड़ा सा डालेंगे हम चाट मसाला, थोड़ा सा हम डालेंगे भुना जीरा, अमचूर बहुत ज़रा सा, और ये मिर्च, मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और मैं इसको अब अच्छे से इसमें चला लूँगी और मैं अब आपको बोल में निकाल के दिखाती हूँ। देखिए पूरा मसाला गरम गरम में अच्छे से मिल जाता है, आप गरम गरम में ही मसाला मिलाइए। देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया चना कुरकुरा आपका नमकीन तैयार हुआ है, बहुत ही बढ़िया है, ये खाने में भी लाजवाब है और बिल्कुल ये फट जाता है, गल जाता है और कितना क्रिस्पी है खाने में, एकदम जैसे आपको बाजार में नमकीन मिलता है ना चने का, वो है ये, इतना बढ़िया है। मैंने अभी मुंह में डाला है, टेस्ट किया है आपके वीडियो बनते में ही, मेरे वीडियोस में बिल्कुल एडिटिंग नहीं होती है, एक भी वीडियो मेरा एडिट किया हुआ नहीं होता है फ्रेंड्स, जो मैं कर रही होती हूँ वो मैं आपको दिखा रही होती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये तैयार है चना कुरकुरा और आप ज़रूर बनाइए, ये ट्राई करिए। इसके बाद मैं आपको इसी वीडियो में दिखाती हूँ चना जोरगरम हम कैसे बनाएंगे। ये उबले वाले चने हैं जिनका हम बनाएंगे चना जोर गरम,
इनको हम ऐसे दबा लेंगे, देखिए ऐसे इस तरह से सबको हम ऐसे धीरे धीरे दबा करके और सूखने के लिए रख देंगे। लेकिन मैं आपको ये इंस्टेंट बता रही हूँ, मैं 6 घंटे इसे नहीं सुखा रही हूँ और मैं आपको भी हाथ के हाथ ही करके दिखा रही हूँ, है ना। तो मैं आपको दिखाती जाऊंगी साथ में। तो इस तरह से मैं सारे अपने चने प्रेस कर लूंगी, ये हाथ से ही प्रेस हो जाते हैं, देखिए इस तरह से, बेलन की जरूरत नहीं है। ये देखिए बस सबको आप इस तरह से दबा लीजिए चनों को, है ना। फिर मैं आपको बताती हूँ इसके बाद हम क्या करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने दबा के प्रेस कर लिए हैं, पंखे में बिल्कुल सूख गए हैं। अब इनमें मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर, इस तरह से छलनी में रख के, छलनी में रख के डालने से क्या होगा कि ये पूरे में कॉर्नफ्लावर ऐसे मिक्स हो जाएगा और नीचे झड़ जाएगा, एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लावर सारा नीचे झड़ जाएगा। ये देखिए इस तरह से झड़ गया पूरा, देखिए। अब इसको मैं डीप फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, तेल तेज हो गया है, अब मैं इसको इसमें डाल करके ऐसे डीप फ्राई कर लूंगी। तेज आंच पे हम इनको डीप फ्राई करेंगे क्योंकि ऑलरेडी गले हुए हैं। और ये हो गए हैं तैयार बिल्कुल, ये देखिए। ये आपको जो झाग दिख रहा है कॉर्नफ्लावर की वजह से दिख रहा है, ये भी पूरा झाग बैठ जाएगा, आप देखिएगा। इनको करारा करके मैं कलछी से इसमें से निकाल रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये डीप फ्राई हो गए हैं, इनको मैं चना जोर गरम निकाल रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं चना जोर गरम तैयार है। ये छोटा बना है क्योंकि ये छोटा वाला देसी चना था। हम मैंने डाला है चाट मसाला, अमचूर पाउडर, मिर्च, काला नमक, अदरक पिसी हुई और नमक, और इसमें पड़ेगा थोड़ा सा गरम मसाला। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको प्रॉपर बनाना है चना जोर गरम, जो बिल्कुल बड़ा बड़ा वैसा, एक तो उसका चना अलग होता है, बड़ा वाला चना होता है बंगाल ग्राम, ये छोटा वाला चना है देसी चना। ये देखिए ये तैयार है, इसको मैं बोल में निकाल करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल तैयार है, ये देखिए चपटा चपटा है। लेकिन क्या है इसके साथ प्रॉब्लम, ये है कि ये छोटा बहुत है, छोटा होने की वजह से आपको ऐसा लगेगा ये तो बहुत ही छोटा है, क्योंकि चना भी इतना वाला है, ये छोटा वाला चना है चना जोर गरम का। आप इसको इस तरह से बनाइए, तरीका यही है बनाने का, लेकिन आपको क्या है इसको, देखिए ये है चना जोर गरम, लेकिन आपको इसको क्या है कि एक दिन हवा में रखना है, बिल्कुल ड्राई करना है अच्छे से, और फिर इसको आप डीप फ्राई करके मसाला डाल करके आप इस तरह से बना सकते हैं। देखिए बना वैसे ही है, बढ़िया है एकदम कुरकुरा, बढ़िया मसालेदार, लेकिन आपको इसको प्रॉपर विधि बनानी है तो आपको इसको 2 दिन धूप में या हवा में सुखाना पड़ेगा। जब ये पपड़ी जैसा हो जाएगा, पापड़ की तरह करारा, उसके बाद आप डीप फ्राई करके बना लीजिए। तो ये घर की क्विक रेसिपीज हैं जो आप नाश्ते के लिए बना सकते हैं चने से। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। आप बनाते रहिए और एन्जॉय करते रहिए। अनूठी में विजिट करने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट। आते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।